उसके लिए आपको इतना ही कहा जाता है कि आप विश्वास रखें, उसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है और आपके मन डमाडोल है तो जैसा आप तीर्थ में मांगते हो उसा ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो हम भलाई कुछ भी लिख दें फिर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही मांग रहे हो कि मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मांगने वाले भी आप ही हो कि मेरा काम हो जाए, आप ही कहने वाले कि मेरा काम नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जो आप मांगोगे जो सोचोगे वही प्राप्त होता है। तो तीर्थ कल्प वृक्ष है, सिद्ध स्थल देवताओं की जो पवित्र भूमि होती है, साधकों की जो भूमि होती है वह कलिकाल में कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। उनकी परिधि में आकर के जो आप प्रार्थना करते हैं वो प्राप्ति होती है। आपके मन में नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ही होना ही, मैं चलो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जैसे नहीं तो स्थान का महत्व खत्म हो जाएगा। जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा। जैसे उदाहरण में ब्रह्मा जी के सामने रावण सब कुछ जानता था लेकिन उसने एक नियम बना रखा था कि जिसको जो करना है जो मांगना है वो मांगे अपने बुद्धि से। उसने किसी भी भाइयों पर पुत्रों पर कोई रोक नहीं लगाई थी, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि ये साधना किसके लिए कर रहा है। लेकिन रावण का जो भाई कुंभकर्ण था उसने इंद्रासन की जगह पर इंद्रासन मांग लिया तो ब्रह्मा जी को पता था कि ये इंद्रासन मांग रहा है, इंद्रासन नहीं मांग रहा, नींद नहीं मांग रहा है, लेकिन देवताओं ने भी कह दिया आशीर्वाद है, जैसा आपने मांगा आशीर्वाद तथास्तु आपको दिया जाता है। तो मैं उदाहरण में इस बात को यहां से जोड़ रहा हूं, जो आप मांगोगे वो प्राप्त होता है। और सहज कभी कभी आपकी थोड़े से ही प्रयास में, थोड़े से ही जप अनुष्ठान से आपके देवता देवंत पितर इत्यादि खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ही बड़ी गलती होने से, छोटी सी गलती होने से थोड़ी आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। आप सभी लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो नॉर्मल और न्यूट्रल होकर के जाएं, शोर सिफारिश का प्रयोग ना करें, आप ज्यादा वीवीआईपी ना बने, दबाव में भगवान के दरबार में नहीं मिलता, आम आदमी की तरह आप वहां बैठिए, आम आदमी की तरह प्रार्थना कीजिए और धक्के खाइए। आप अपना प्राचित नहीं करोगे, अपना आपका जो अंदर जो जिस पाप के कारण, जिन ग्रहों के कारण आपको जो ठोकर लग रही है, जब वो ठोकर नहीं कटेगी तो आपको मीठा फल मिलेगा कहां से। तो तीर्थों में ठोकर खाना, धक्के खाना, अपमानित होना सौभाग्य समझे। यदि यही चौराहे पर हो तो वहां तो मारकाट हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा की इज्जत की बात लग जाएगी। और कहीं मठ मंदिर में हो, तीर्थ यात्रा के मेले में हो और ढक्का लग जाए और आप गिर गए तो लड़ना नहीं चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो बाहर होने वाला था जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था इतने ही ढक्के पर, यहां चलो कोई हमारा बुरा समय होगा वो भगवान के तीर्थ यात्रा में छोटे से ढक्के में अपने ही भाई से लग गया, मान के चलो बहुत बड़ा संकट टल गया। ये अध्यात्म कहता है तीर्थ यात्रा का ढक्का लगा हुआ, अपमान प्राप्त हुआ, ये मान के चले बहुत बड़ा संकट टल गया। मठ मंदिर में ढक्का लगना, कोई गलत तरीके से आपको बोल गया उससे अपमानित मत समझें, आप समझें कि देवताओं से जो मांगने आए थे शांति, उस शांति में यह घटना होनी थी वो आपकी छोटे से में निकल गई, ये भगवान की कृपा है, यही महाप्रसाद है। इसी को आशीर्वाद समझें कि आपका बड़ा संकट छोटे में टल गया। इसके लिए पंडोकर धाम नियम से 5 अमावस्या करते रहना चाहिए। हम यहां रहे या ना रहे, हम कहीं पर भी हों, विशेष कर लोग आप लोग क्या करते हैं पता लगाते हैं गुरुजी कब तक हैं, आप उसी उन्हीं समय में आप टिकट कराते हो और पता लग जाए गुरुजी नहीं है 2 दिन बाद आएंगे तो आप 2 दिन के बाद के ही बनवाते हो। तो आपको हमसे संबंध नहीं रखना है, आपको इस चौखट से संबंध रखना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है, श्री हाथीमान महाराज को प्रणाम करना है और बरहा धाम जाके दर्शन करना है, पुष्पावती गंगा का दर्शन करना है। अभी बरसात का टाइम है तो बरसात के समय कोई भी रात्रि में वहां जाए तो कृपया घाट से नीचे ना उतरे, जगह जगह पानी बरस रहा है, ना मालूम कितना एकदम पुष्पावती का वेग बढ़ जाए, तो ये सावधान रहोगे तो दुर्घटना नहीं होगी।
गुरु लोग देवता लोग आपको प्रेरणा देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आप अंधेरे में जाकर के उसमें उतर जाएं। आपको यदि रात्रि में जाना ही है, अभी रास्ते मार्ग खुले हैं, लेकिन पुष्पावती के जल में बिल्कुल भी प्रवेश ना करें, दूर से ही प्रणाम कर लें और वहाँ के जो मल्ला या केवट जो वहाँ हैं उनसे परामर्श करने के बाद दीपदान कर सकते हैं और वहीं घाट से अपना चढ़ा सकते हैं और किसी भी स्थान पर बाल्टी से लोटे से मग्गे से स्नान कर लें और तीर्थ का जो भी जल होता है वो स्वयं ही उसी गंगा के स्रोतों का ही जल है, क्योंकि यहाँ नज़दीक बहने वाली गंगा पुष्पावती पहुँच तट है जिसका जल आपके नलों से भी आता है। परंतु ये चार महीने बरसात के जो होते हैं, वैसे भी बावरी तालाब नदी आदि वर्जित किया गया है विद्वानों के द्वारा, उसके कारण भी बताए गए वैज्ञानिक पद्धति से कि इसमें जीव आदि अनेक विषैले जीव उसमें प्रवेश कर रहते हैं। जगह जगह के नाले जो खुले होते हैं, बरसात का जो पानी निकलता है वो बरसात के पानी से इसी के मार्ग से बहता है। तो चार महीने तक जगह जगह जो बाढ़ आती है उसका जो पानी का ढाल होता है वो किसी ना किसी तालाब में या किसी नदी में उसका मार्ग होता है। तो इसको विद्वानों ने बरसात में चार महीने के लिए नदी के जल को जो बहने वाला जल है तीर्थ स्थल पे ही पवित्र और उस घाट पे ही पूजित बताया गया है, आरती योग्य, जहां गंगा आरती होती है, जहां प्रतिदिन संध्या वंदन होता है जिस घाट पर, वहां ही पूजित बताया गया है। लेकिन मार्जन करने का, जल छिड़कने का निर्देश है, पान करने के लिए नहीं। बस ओंठ से स्पर्श कर सकते हैं आपका पवित्र भाव है तो, क्योंकि जैसे हमारी माताएं बहनें महीने में कुछ समय के लिए अशुद्ध हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये जितनी भी भारतवर्ष की जलधाराएं हैं जो बहने वालियां हैं, ये चार महीने रसुला के रूप में बताया गया है। लेकिन तब भी विद्वानों ने पुष्पावती के लिए कहा है, सूर्य और चंद्रमा के तीर रसुला स्त्री पुष्पता भी पवित्र हो। ये सभी तीर्थ की जितने भी गंगा नदियां हैं, जितने भी पवित्र जलधाराएं हैं, घाट पे पूजित हैं और उसके बाद आप अपने घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं, जो पुराना जल रखा उसको ही मार्जन करके आगे बढ़े। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान श्री अतिमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय।